खबर लेने संगरूर तो जिथे पिछले दिन पंजाब पुलिस तो बर्खास्त हुए डीएसपी बलविंदर सिंह सेखो अते प्रदीप शर्मा खिलाफ मानयोग अदालत दी जज साहिबाना खिलाफ गलत टिप्पणी करन अते भद्दी शब्दावली बोलन दे दोष लगाउण तो बाद इन्हां दोवां नूं 2-2 हज़ार रुपए जुर्माना अते 6-6 महीने की कैद की सजा सुनाई सी। अते अज इस दे खिलाफ संगरूर शहर दे विच मैं पंजाबी मंच जथेबंदी अते इलाके दे लोकां वल्लों बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखो अते प्रदीप शर्मा नूं इंसाफ दिवाउण दे हक दे विच शहर विच रोस मार्च कीता गया अते डिप्टी कमिश्नर संगरूर नूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे नाम मंग पत्र भी सौंपिया गया जिस विच बर्खास्त डीएसपी बलविंदर सिंह सेखो अते प्रदीप शर्मा नूं इंसाफ दिवाउण दी मंग कीती गई है अते नशे दे खिलाफ पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों बनाईआं गईआं सिट दीआं टीमां वल्लों बनाईआं रिपोर्ट नूं जनतक करन दी भी मंग कीती गई है। उन्हां कहा कि बलविंदर सिंह सेखो अते प्रदीप शर्मा वल्लों उक्त रिपोर्टां नूं जनतक करन लई आम लोकां नूं जागरूक कीता जा रहा सी अते इस दे खिलाफ पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों बलविंदर सिंह सेखो अते प्रदीप शर्मा नूं दोष लगा के जेल भेज दिता गया। उन्हां ने इस कारवाई नूं सरासर धक्का कहिंदे होए चीफ जस्टिस इंडिया तों इंसाफ दी मंग कीती है। इस मौके होर की गलबात होई है आओ मारदे आ पूरी खबर ते नजर। एडवोकेट मनप्रीत सिंह नमोल, अज असीं डीसी संगरूर कंपलैक्स इकट्ठे होए आ मैं पंजाबी मंच की अगवाई च। पहली गल तां जिहड़ियां 5 सालां तों रिपोर्टां जनतक नहीं हुईआं उहदे की कारण ने, उह क्यों नहीं हो रहीआं। पंजाब दा हर परिवार हर चुल्हे च नशा वड़िआ पिआ, साडे नौजवान साडीआं धीआं वी वन हुण उह ग्रस्त हो गईआं। दूजी गल मेन जो बलविंदर सिखों जी वाली गल करदा, कोर्ट ऑफ कंटैंप्ट की गल करदा, जिहड़ा कोर्ट ऑफ कंटैंप्ट दा जो लाभ बणिआ होइआ उह च जिहड़े वी तुसीं किसे वी अदालत की तुम मानहानि करते हो तो पहली गल वो अदालत को योग अगवाई नहीं होंगी कि वह थोड़ा सज़ा दे सके, किसी होर अदालत किसी होर जज साहब लगे अगे पेश करते तो वह उन्होंने सज़ा दे सकते सी। उस कोर्ट च कंटैम्प्ट होया उही जज साहब उन्होंने सज़ा दे रहे हैं। तो 1947 तो बाद पहली बार होया भी पहले बंदे नाल दी नाल तुसीं कन्विक्ट करता। पहला अवेलेबल हुंदा, वारंट हुंदा, फिर नॉन अवेलेबल हुंदा, फिर वह आपकी जमानत करवाउंदा। पहली बार होया भी तुसीं उन्हें 6 महीने की सज़ा ते डंग दिता। ये जो साड़ी लड़ाई है जिथे असी नशे की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जनतक रिपोर्टा की लड़ाई लड़ रहे हैं, उत्थे जो दो संविधान बना रखे ने साडे देश दे उहदी भी लड़ाई लड़ते हैं। मेरे हाथ च एक, मैं नहीं गल करदा, मेरे हाथ च एक जजमेंट है, ये पंचकूला जो अदालत की है, ये है जज साहब पल्लवी ओहजा GMIC पंचकूला। तो इन्होंने ये, मैं आप गल नहीं करता, मैं तत्थां दे नाल गल करदा, कोर्ट ऑफ कंटैंप्ट बलविंदर सिखों नूं कहा गया जदों कि वह जाके उन्होंने सिंपल एक नोटिस सर्व होया जो वह बोले सी, कोर्ट च बोले सी, कोर्ट के सामने बोले सी, नाल दी नाल उन्होंने फट के उन्होंने अवेलेबल या नॉन अवेलेबल वारंट कटे जाते, पर उन्होंने नोटिस समन होया। उस तो बाद सब तो वड्डी गल है जिस तरह एक अत्तवादी नूं फड़िया जाता है, CP लुधियाना नूं ऑर्डर होए भी तुसीं आप फट के लेके आए हो, अज तक कोर्ट ऑफ कंटैंप्ट कितने भी CP लुधियाना नूं, CP किसी नूं भी, SSP नूं ऑर्डर नहीं होते तुसीं फड़े जाओ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖੋ ਬੋਲਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਬੋਲ ਪਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋਗੇ ਇਸ 'ਤੇ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਰਡਰ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਦਾ ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਤੀਸ਼ ਕੰਦਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਐਂਡ ਹਿਸ ਕੌਂਸਲ ਅਪੀਅਰਡ ਹੀ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਦਾ ਡੈਨਬੋਰ, ਵੀ ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਜੀਰਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਦਾਸ਼ਤਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵਾਇਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਵਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 3 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਣਆਈਏ ਮੌਤੇ ਮਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 100% ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ
जिहड़ा वो निकल जाना, कोई हल ना होना, कोई उन्हें नत्थ ना पैना, ये की यह साडे वास्ते मतलब जिहड़ी हैगी आ साडे वास्ते कोई बड़ी वड्डी माण दी गल है कि जद कोई इस मसले दे उत्ते गल करदा है तां उन्हूं असी कुछ इन्ने शब्दां दे विच बन्न के इस वड्डी समस्या दा जिहड़ा हैगा इहनूं कुछ शब्दां दे इक व्यक्ति दे किसे दे कहे होए कुछ शब्द उन्हां दे विच बन्न के पासे करन वाली समस्या इह। असी खुद यह सवाल करते हैं, असी पुछना चाहते हैं अज तुसी किहड़ी मंग लै के डीसी साहब कोल पहुंचे से? साड़ी मंग जो बलविंदर सिखों की मंग है, जो मैं पंजाबी मंच की मंग है, जो पूरे पंजाब की मंग है, पिछले लंबे समय तो मंग है कि मतलब एक 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 शर्म दे नाल सिर निवदा है कि एक पासे हजारां बच्चे हजारां परिवार जिहड़े हैगे बच्चे कतल हो रहे हैं, एक तरह ना मैं कतल कहूँगा इहनूं, ठीक है, और हजारां परिवार उहदे तों प्रभावित हो रहे हैं और उस दे उपर कर चलण वाली गल जिहड़ी है उस गल दे उपर पांच पांच साल लंघ जाण कि यह साडे सारयां दे वास्ते संघ दी गल नहीं है। सिख कारवाई तो उहदे तों मैनूं इह लग रिहा है कि नशे दे मुद्दे नूं रोकणा जिहड़ा है इह किते ना किते मतलब जिहड़ा हैगा इह किसे वड्डी कॉन्सपीरेसी वड्डी सियासत दिस रही है सानूं इहदे विच, क्योंकि जदों एक्शन मरदे पंजाब दे लोक की करदे हुंदे, मरदे लोग की करते होंगे, घर घर के नशा है, ठीक है। मैं सारे तुहाडे राही सारे मीडिया के राही सारे पंजाब के लोगों असी बाजार के भी यही बेनती करते आए हैं कि यह दैंत जिहड़ा अगे वड़दा जा रहा है। सब तो पहली मंग तो साडी हैगी है कि जिम्मेवार लोग चाहे वह प्रशासन के बैठे ने, चाहे वह सरकार के बैठे ने, चाहे वह जुडिशरी के बैठे ने, एड्डी गंभीर समस्या के प्रति अपना नज़रिया बदलिया जाए, अपना माइंड सैट बदलिया जाए। शब्दों के लेट के पासे करने वाली समस्या नहीं हैगी, यह समाज की समस्या है, ठीक है। पहली बेनती तो असी ये कर रहे हैं, दूजी बेनती असी पूरे समाज में करते हैं कि पूरे समाज में भी जिथे इस दे अगेंस्ट लड़ना पेगा खड़ना पेगा, बच्चों को भी बचाना पेगा नाल नाल। जेकर ये चीज़ा तीन सरकारां पंजाब दे विच नशे दे उत्ते सियासत करके बन चुकियां ने कि ये सारियां गल्लां समझणियां ना पैणगियां सानूं, कौन समझूगा कि जाके किसी होर स्टेट दे जां होर सूबे दे लोक समझणगे? साडे हाथ च चाहे माइक होवे, चाहे तुसीं इधरले पासे होवो मैं इधरले पासे होवां, पर साडी एज ए नागरिक ड्यूटी तां इक ही है, सो उस सेंस नूं समझणा पेगा सानूं। मेहरबानी। हांजी सर, तुहाडा नाम जी? मैं डॉक्टर दलेर सिंह मुल्तानी, मैं पंजाबी मंच दा सीनियर वाइस प्रेजिडेंट। अज किस मुद्दे नूं लैके तुसीं इत्थे पहुंचे जी? देखो पंजाब दे विच एक भखदा मुद्दा है, जदों भी आपां नशियां दीआं गल्लां करदे आ पिछले 8-10 सालां तों कई सारियां सरकारां आईआं, कई सारियां सीटां बनीआं, कईआं ने विच इलैक्शन जित्तीआं, कईआं ने हारीआं, लेकिन मुद्दा तो उत्थे दा उत्थे खड़ा। सो अज इस मुद्दे नूं जदों मैं पंजाबी मंच दे जिहड़े सीनियर मैंबर सीगे बलविंदर शेखों और प्रदीप शर्मा, उन्हां ने यह मुद्दा जनता कीता विच, उस जनतक मुद्दे दे विच इह होया कि कोई ऐसी गल नहीं सी डिमांड कीती जिहदे नाल किसे दा कोई नुकसान करना चाहुंदा सीगा जां किसे दी कोई बेइज्जती करना चाहुंदा सी, लेकिन कोर्टां जिन्हां नूं अज दी डेट 'च असीं गल कहिंदे कि असीं मानयोग सत्कारयोग नहीं कहना, क्योंकि उन्हां ने अपना मान जिहड़ा हैगा उह नहीं रख्या होया, और उसे गल नूं इह कहिंदे होए कि साडी मानहानी हो गई। बलविंदर शेखों और प्रदीप शर्मा नूं जिहड़ी हैगी बिना ट्रायल तों जिहड़ी जेल कीती गई है, इक मुद्दा जिहड़ा इह सी कि उहदे वास्ते असीं अज डी सी संगरूर नूं, मैं पंजाबी मंच ते सारे संगरूर दे अहुदेदार ते होर पतवंते लोग भी इकट्ठे होकर एक मेमोरेंडम दे रहे हैं, पहला गल तो यह सी। उहदे नाल ही नाल असीं इह गल कहिंदे सीगे कि इह पंजाब दा मुद्दा जिहड़ा हैगा नशियां दा मुद्दा जिहदे ते लोग सियासती करी जांदे ने जां लोग हुंदी कड़ी पैसे खा खा के रजे बैठे ने, एडी एडियां वड्डियां इमारतां जिहड़ियां हैगियां ने बनाईआं, करोड़ां दीआं प्रॉपर्टीज़ जिहड़ियां हैगियां बनाईआं ने, लेकिन मुद्दा उत्थे दा उत्थे खड़ा है। इह गल कि जिहड़ा जो कोर्टां ने आप ही उन्होंने कहा सीगा कि पंजाब विच नशा बहुत है, इस करके उन्होंने सिट बनाइया सी, एक नहीं बनाई, एक दो तीन चार तक जिहड़ियां हैगियां ने, लेकिन उहदे विच जिहड़ी रिपोर्ट हैगी है वह अज तक भी जनतक नहीं कीती गई। साडी इह मंग हैगी है कि उस रिपोर्ट नूं जनतक कर दिता जाए। कई लोग कहिंदे ने जी उहदे विच कुछ नहीं हैगा, मैं एज ए डॉक्टर देखिया होया भी की कुछ हो सकता है, लेकिन जे मन भी लिया जाए उहदे विच कुछ नहीं हैगा तां फिर पंजाब नशे 'च तां डुब्या होया, कोई ना कोई तो जिम्मेवारी किसी दिन किसी की जिम्मेवारी तो फिक्स होएगी। सो उस जिम्मेवारी नूं असीं कहिंदे आ कि उह रिपोर्टां खोल दित्तियां जाण, जो जिम्मेवार लोग होंगे उसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए और पंजाब की जवानी जी है उसनों बचा लिया जाए। इस करके ये जिहड़े मैं पंजाबी मंच के प्रोटेस्ट है, कल साडा अमृतसर के होया सी, अज संगरूर के होया, हुणे असी जिहड़ा है बरनाले भी जावांगे, ये पंजाब के हर शहर हर मुहल्ले हर पिंड तक इस मुहिम नूं लैके जावांगे कि
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਟਾ ਮਾਨਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਨ ਵੀ ਲਓ ਕਿ ਕੋਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਨਲ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਓ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਨਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਪ ਹੀ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਮੱਲੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।